वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। घूंघट इस्मत चुगताई। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रींग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोशन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफेद चिनगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीजगी और दोषीजगी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात ना उड़ा के लिए जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दांगी का नमूना थे क्या दिसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के हाँ भाग गए। तभी जबान से अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी, नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद, वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ, जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन, नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरे कार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे, ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया, फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए। मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया, मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने जब दुल हम के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया, जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो, दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, टपट कर बोले, दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी इतना गरूर, दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाइमबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था, शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे, दुल्हन ससुराल और मीका के दरमियान मुअल्लक रही, माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई, होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछगिछ की गई, वो मगरूर है, कैसे मालूम, हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अमां, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है, तुमने उठाया होता। हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है, वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अमां अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेश कदमी करे। अजी लाहौल वला कुव्वा। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुनने लगे, बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ ना लगाया, ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दांगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गर्ज कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई, फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा।
सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू सारी उम्र का भुगतान है। शर्म ओ हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जरदा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे माँ धकेले गए। गोरी बी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी, अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताक रदिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी, आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरमगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंह जोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लर्जती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मज ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइमबाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस ना लौटे। पिंछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मौरियों में लूट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल तिजा की गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी बी खंभे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लर्जते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।